आंवला नवमी पर जरूर करें ये काम रातों रात हो जाओगे मालामाल कार्तिक महीने में कई प्रमुख व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं इनमें करवा चौथ, होई अष्टमी धनतेरस दिवाली गोवर्धन भाई दूज, छठ पूजा आदि प्रमुख हैं लेकिन इस मास के कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो अपना पौराणिक महत्व रखते हैं मगर उनके बारे में लोग बहुत कम जानकारी रखते हैं तो आपको बता दें कि इनमें से एक व्रत आंवला नवमी का जिसका हिंदू धर्म में अधिक महत्व होता है इसमें आम्वले के पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान है कहते हैं इस दिन किया गया हर कार्य अक्षय हो जाता है इसलिए इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन माँ लक्ष्मी ने आम्वले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की थी इसलिए इस दिन से हर साल आंवला नवमी मनाई जाती है इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है जिन उपायों को आंवला नवमी पर करने से मां लक्ष्मी साधक को सुख सौभाग्य धन संपत्ति का वरदान देती है इससे जीवन की तमाम समस्याएं खत्म हो सकती है और आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2024 में आंवला नवमी कब की है पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है आंवला नवमी का महत्व क्या है इसके अलावा आंवला नवमी के दिन कौन सा उपाय करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है प्रिय मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इस साल 2024 में आवला नवमी कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि का आरंभ 9 नवंबर को रात दस बजकर पैंतालीस मिनट पर होगा नवमी तिथि का समापन नौ बजकर शून्य एक मिनट पर होगा उद्यातिथि के अनुसार अक्षय नवमी का पर्व 10 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा अक्षय नवमी के दिन आंवला पेड़ की पूजा क्यों होती है अक्षय नवमी के दिन किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं अक्षय नवमी के दिन आंवला पेड़ की पूजा की जाती है इसके साथ ही इस दिन आंवला पेड़ के नीचे खाना खाने का भी विशेष महत्व है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत बूंदे टपकती हैं जो कि सेहत के लिए अति उत्तम माना जाता है इसलिए इस दिन लोग आंवला पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो चलिए अब जानते हैं आंवला नवमी पर कौन से उपाय करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है एक घी का दीपक आवला नवमी के दिन संध्याकाल में आंवले के वृक्ष के पास घी का दीपक लगाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके कनकधारा स्त्रोत्र का पाठ करें मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आय में वृद्धि के योग बनते हैं माता लक्ष्मी की कृपा से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं दो आंवले का भोग लगाए अपनी सोई किस्मत चमकाने के लिए आंवला नवमी का दिन बेहद खास होता है इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है आज के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु को आम्वले का भोग लगाएं, साथ ही किसी गरीब ब्राह्मण को आम्वले का दान करें ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आप पर उनकी कृपा होगी तीन जरूरतमंद को भोजन कराएं आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए इसके बाद आम्वले के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं इसके पश्चात आप स्वयं भी पूरे परिवार के साथ भोजन करें इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति में वृद्धि होती है साथ ही घर की दरिद्रता दूर होती है चार आम्वले का पौधा आंवला नवमी के दिन घर में आंवले का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए ऐसा करने से घर से दोष दूर होते हैं साथ ही घर में सकारात्मकता बढ़ती है मान्यता है कि आमले के पेड़ में श्रीहरि का वास होता है ज्योतिषाचार्य इसे घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना बेहद शुभ मानते हैं पांच अक्षय नवमी के दिन आमले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने के बाद हनुमान जी को सिंदूर चोल और पान का बीड़ा अर्पित करें इसके बाद पूजा अर्चना करें और सुंदरकांड का पाठ करें ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है छह आंवले के बीज आंवला नवमी के दिन आंवले के बीजों को हरे रंग के कपड़े में बांध लें और उसे अपनी धन स्थानीय तिजोरी में रखें ऐसा करने से माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती और धन संपत्ति में वृद्धि होती है आपकी रुके हुए कार्य भी माता लक्ष्मी की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाते हैं साथ अगर जीवन साथी के साथ अब आपका पहले जैसा प्यार नहीं रहा बात बात पर आपके झगड़े होते रहते हैं और रिश्तों की डोर धीरे धीरे करके कमजोर पड़ रही है तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ के तने पर सात बार सूत का धागा लपेटना चाहिए साथ ही घी का दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष की आरती भी करनी चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके रिश्तों की डोर मजबूत होगी और आपके बीच पहले जैसा प्यार स्थापित होगा आठ अगर आपके विवाह में एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है तो आज के दिन आम्वले के पेड़ के तने में रोली का तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके विवाह में आ रही परेशानियों का जल्द ही अंत होगा अगर आप अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आंवले की जड़ में जल चढ़ाएं। साथ ही विष्णु जी के इस मंत्र का ग्यारह बार जप करें मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा नौ अगर आप नवयवन या सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन एक बड़ा सा कद्दू लेकर उसे ऊपर से काटकर उसे खोखला कर लें और उसके अंदर फल अन्न और अपने सामर्थ्य अनुसार थोड़े पैसे रखने चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए पूजा के बाद उसे किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपको सुंदरता प्राप्त होगी 10 अगर आप अपने अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश करना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु को केसर मिले दूध का भोग लगाएं और तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश होगा ग्यारह अगर आपके बच्चे की स्मरण शक्ति कमजोर है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आज के दिन पीपल के तीन पत्ते लेकर उस पर रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें साथ ही उन्हें दही शक्कर का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की स्मरण शक्ति मजबूत होगी और उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा बारह आम्बले के पेड़ के नीचे बैठे मान्यताओं के अनुसार अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाली आंवला के दिन आम्वले के वृक्ष से अमृत की बूंदें निकलती हैं इसका लाभ लेने के लिए आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी को अपने परिजनों के साथ आम्वले के पेड़ के नीचे समय व्यतीत करना चाहिए आम्वले के पेड़ की जड़ में दूध और जल अर्पित करें ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगा साथ ही परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी तेरह केसरी खीर का भोग लगाएं अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है इस दिन आप माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और उनको केसर वाली खीर का भोग लगाए इसके बाद इसे प्रसाद स्वरूप परिवार के सदस्यों को खिलाएं ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर से आर्थिक संकट दूर करेंगी इसके साथ ही घर में धन संपत्ति में वृद्धि होगी चौदह ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आर्थिक लेन देन से बचना चाहिए इस दिन किसी को धन उधार में देना या किसी से धन उधार में लेना अशुभ माना जाता है पंद्रह आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ताश नहीं खेलना चाहिए साथ ही इस पेड़ के नीचे अन्य तरह के अनैतिक कार्यों को करने से भी बचना चाहिए कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और जीवन में आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं सोलह आंवला नवमी के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए अन्यथा आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं सोलह आंवला नवमी के दिन भूलकर भी आंवला या फिर किसी अन्य पेड़ को नहीं काटना चाहिए ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर पर दरिद्रता का वास हो जाता है सत्रह आंवला नवमी के दिन भूल कर भी आंवले के पेड़ के पास गंदगी नहीं करना चाहिए बल्कि साफ सफाई करनी चाहिए इस पेड़ के पास गंदगी करने से भगवान विष्णु जी नाराज हो जाते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें जय श्री कृष्णा दोस्तों